सो एक्चुअली मैं आपको बताने भूल गया था, निकिता जो है उनका ना आज एग्जाम है, ठीक है, लास्ट टर्म, मतलब को कमिंग संडे ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो आज बहुत ज्यादा अगर मैं बता देता हूँ तो थोड़ी सी उनके लिए भी दिक्कत होगी, तो और ज्यादा नहीं, और 10 मिनट में आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है ओके तो ठीक रहेगा, मतलब दोनों साथ साथ चलने से सही रहेगा, है ना। तो 10 मिनट और ठीक बता है देता हूँ, इसके बाद फिर 2 घंटे की क्लास भी कमिंग संडे से, ठीक है। तो ठीक है ओके okay. हाँ, तो जितना भी मैंने बताया था उसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं अभी तक तो नहीं सर तो आपको ये टेबुलर फॉर्म और क्लासिक फॉर्म क्लियर हुआ? हाँ वो तो क्लियर हो गया पर सही है टाइम पे हो जाएगा ना हमारा कोर्स एकदम बिल्कुल, मैं स्पीड से चलूंगा। एक्चुअली हुआ क्या, नितिका अगर एग्जाम पे नहीं जाते, दो दो घंटे की क्लास होती है, आपको टाइम पे मैं कंप्लीट कर दूंगा, सिलेबस ही वैसा मैंने डिजाइन किया हुआ, हाँ ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। ओके ठीक अगर मुझे सैटरडे को भी है क्लास देनी पड़ेगी, बीच में सैटरडे को भी दूंगा, ठीक है। ठीक हो है सकता है कमिंग सैटरडे को मैं शाम को भी मैं आपको क्लास दूं, तो दो दो क्लास प्रोवाइड करने लगूंगा। जितना हमारे अभी क्लास वो मिस हो गई है ना, तो वो हाँ मैं हाँ बैकअप के लिए सैटरडे क्लास दे दूंगा, और संडे भी, ठीक ठीक है है। तो कमिंग सैटरडे भी क्लास रहेगी आपकी, आपको ठीक मतलब है पूरे, मतलब जिस टाइम आप फ्री हो गए वो आप बता देना, शाम को या सुबह को, ठीक है। तो ठीक है सैटरडे को वैसे भी तो मैं, सर सैटरडे शाम को ही फ्री हो सकूंगी क्योंकि ऑफिस अब हाँ, तो रेगुलर हो गया है ना आप मुझे बता देना कि हाँ सैटरडे आठ शाम को बजे ही या 8:30 बजे जब हाँ भी आप हाँ फ्री आठ हो, बजे 8:30 हाँ, तो हाँ जी मैं ठीक सैटरडे को है भी क्लास दे दिया करूंगा, कंप्लीट कर दूंगा कोर्स के लिए। नहीं, 5 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे अनुभव है ठीक कंप्लीट है कैसे। नहीं सर बस वही है कि मतलब थोड़ा टाइम यहाँ फिर मैं चेंज भी कर दूंगी ना जल्दी तो हाँ वही है हाँ चीजें आ हाँ जाएंगी तो भी चेंज करूंगी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक ठीक है है। इसके बाद आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे इसमें लास्ट है हमारा एक ऑप्शन, सॉर्ट A to Z, और सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर हाँ, सॉर्ट A to Z क्या होता है, आप यहाँ देखेंगे, ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हेडर्स, जो रॉ हाँ डेटा हमारा है, रॉ डेटा के हेडर्स हैं ये सारे, ये क्लियर होगा आपको, पता है, हाँ हाँ सर ठीक है। हाँ सो अभी मैंने A to Z जैसे सॉर्ट किए हैं मैंने, अब देखोगे ए वाले हैं, फिर सी सी, फिर एन, फिर टी, मतलब ये आपका ऑर्डर्स में A to Z, यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर में ये हेडर्स दिख रहे हैं आपको। बट ये जो हाँ बेस हमारा, जो रॉ डेटा है ना, रॉ डेटा में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रॉ डेटा में कोई चेंजेस नहीं होंगे, अच्छा आपका जो पिवोट टेबल में है ना वो चेंज होंगे, क्योंकि रॉ डेटा जो है वो पिवोट टेबल का पार्ट नहीं है, वहां पे रॉ डेटा आपका सिक्वेंस में नहीं होगा, ओके यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ठीक है इसको भी, इस ऑर्डर को भी आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। और एंड इसके बाद आप एक और लास्ट में इसमें था, शॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, शॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर का मतलब होता है जिस ऑर्डर में हमारा डेटा है, जो रॉ डेटा में जिस ऑर्डर में हेडर्स हैं, उस सीक्वेंस में अगर आपको चाहिए तो आप इस पे क्लिक करके इसे ओके कर दो। तो यहाँ पे देखोगे क्या है, CRM ID है, फिर नेम है। चलो मैं रॉ डेटा में हाँ चेक करता हूँ, क्या ऐसा ही है, मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ, बहुत वो। रॉ डेटा भी सारा डिलीट हो गया, इसमें रॉ डेटा भी डिलीट हो गया, एक सेकंड। ये आप देखोगे, ये मैंने अभी जो किया है, जो सीक्वेंस में रॉ डेटा के सीक्वेंस में ये हेडर आपको यहाँ दिखेंगे, CRM ID, नेम, TL नेम, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ दिखेंगे, CRM, CRM ID, नेम, TL नेम, AM, कॉल्स,
इस सीक्वेंस को आप ए टू जेड में करना चाहते हैं तो ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद शॉर्ट ए टू जेड में करोगे तो अब ये ऐसा सीक्वेंस में जाएगा, ए एम है फिर कॉल्स है फिर, ये क्लियर है। इसके बाद अगेन जाना है ऑप्शंस में, ये डिस्प्ले क्लियर। अब है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे प्रिंटिंग में प्रिंट एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगेन यहाँ पे शो किया है प्रिंट एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्ले ऑन पिवोट टेबल, ठीक है। ये कहता है कि प्रिंट एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्ले ऑन पिवोट टेबल। पिवोट टेबल आप जब देखना चाहते हैं तो क्या ये आप देखना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे ये प्रिंटिंग सर वही प्रिंटिंग है ना जो मतलब हम पिवोट टेबल की अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो। हाँ तो क्या आप जब आप निकाल हाँ जब आप निकालेंगे प्रिंट तो क्या ये आपको जब प्रिंट आप निकालेंगे इसको तो क्या ये शो करना चाहिए पेज में वाइट पेज में? अगर आपको शो करवाना है तो आप टिक कर दो। अगर आपको वाइट पेज चाहिए प्रिंट मतलब इसमें बटन है और वो आपको नहीं चाहिए वो प्रिंट आपको पेज में तो आप इसे यहाँ से अनटिक कर दो। क्लियर है? इसके बाद है रिपीट रोज लेबल ऑन ईच प्रिंटेड पेज। रिपीट रो लेबल्स का मतलब कि ये जो हेडर्स हैं, ये जो इसके जो लेबल्स हैं हेडर्स हैं, क्या आप जितने पेज मान लो 10 पेज निकालेंगे तो क्या सब में हेडर चाहिए? अगर ये तो रिपीट पे आप टिक रहने दो। ठीक है इसके बाद है सेट प्रिंट टाइटल। सेट प्रिंट टाइटल का मतलब कि आप बहुत बड़ी ये पिवोट टेबल है लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहीं तक निकले के स्पेसिफिक एरिया तक आप निकालना चाहते हैं तो आप जो सेलेक्ट जहां तक करेंगे ना वहीं तक निकलेगा। सेट प्रिंट टाइटल्स जहां तक आप सेट करेंगे उस टाइटल को वहीं तक निकलेगा, समझ गए? ठीक है सर। हाँ चल इसके बाद यहाँ पे डेटा। डेटा में यहाँ देखो सेव सोर्स डेटा विद फाइल्स, ठीक है। सेव सोर्स डेटा विद फाइल, ये जो टिक है इसका मतलब ये होता है कि पिवोट टेबल मैंने क्रिएट करी है, ठीक है। इसके बाद पिवोट टेबल में मैंने कुछ चेंजेस किए तो मैं अगर रॉ डेटा में भी मैंने कुछ चेंजेस किए और पिवोट टेबल में भी कुछ चेंजेस किए तो मैं जब कंट्रोल एस करूं तो मैं क्या चाहता हूं कि जो सोर्स डेटा विद फाइल है जो इसमें जो मैंने चेंजेस किए क्या वो चेंजेस मतलब हमेशा के लिए पिवोट टेबल में भी चेंज हो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आप चाहते हैं कि जो रॉ डेटा में मैंने चेंजेस किए वो रिफ्रेश करूं तो वही आके अपडेट पिवोट टेबल में हो तो आप इसको टिक रहने दो, ठीक है। इसके बाद है एनेबल शो डिटेल्स। एनेबल शो डिटेल्स का मतलब ये होता है एनेबल रहेगा, जैसे अभी पिवोट टेबल आप देख रहे हैं जो कि यहाँ डिटेल्स सारी डिटेल्स आपको दिख रही है। अगर आप इसको मैं डिसेबल कर दूं तो हो सकता है कि इसको क्लोज करके मैं जब भी ओपन करूं तो इसकी जो डिटेल है वो शो ना करे, सिर्फ ब्लैंक आपको पिवोट टेबल दिखे। लेकिन शो करूं तो फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल्स दिखने लगेगी तो ये सब बाय डिफॉल्ट क्या रहता है टिक रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखोगे रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल का मतलब ये है कि जो यहाँ पे रॉ डेटा है, राइट, रॉ डेटा में मान लो एक रॉ डेटा उसमें मैंने 10 वो बनाए फील्ड ये पिवोट टेबल बनाए तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं उस मतलब जिस जो एक डैशबोर्ड है, राइट, एक डैशबोर्ड में 10 पिवोट टेबल है, 10 पिवोट टेबल है या एक ही पिवोट टेबल है, सब कुछ एक ही पिवोट टेबल है तो मैंने क्या किया कुछ रॉ डेटा में मैंने चेंज किए और इसको सेव करके क्लोज कर दी फाइल, ठीक है। अब हमने क्या किया सेव किया कुछ रॉ डेटा में, किसी के नेम गलत थे वो मैंने नेम करेक्ट किए और इसको रिफ्रेश वगैरह नहीं किए, मैंने इस फाइल को मैंने क्लोज कर दी। तो ये आपसे पूछता है कि रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, जब क्या जब उस डैशबोर्ड का ओपन करना जब आप वो उस फाइल को ओपन करेंगे तो क्या ऑटोमेटिक रिफ्रेश पिवोट टेबल आप करना चाहते हैं? जैसे ओपन होगा तो रिफ्रेश होके ओपन होगा, अगर रॉ डेटा में कोई चेंजेस आपने किए हैं तो वो अपडेट ऑटोमेटिक पिवोट टेबल में हो जाएगा। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप टिक करके छोड़ दो। जब 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 आप उस फाइल को उस डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो पिवोट टेबल ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि अपने आप अपडेट हो जाएगा, जो भी आपने वैल्यू या जो भी आपने डेटा चेंजेस किए होंगे वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। क्या ऐसा करना चाहते हैं? अगर ये तो रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल पे आप टिक कर दीजिए। क्लियर है?
हेलो, हाँ जी सर। ये आपको समझ आया? हाँ, इसके बाद है ऑल्ट ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये बहुत डीप है, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं और जानते भी बहुत कम लोग हैं। जैसे कि एक पिवोट टेबल है, ठीक है, आप पिवोट टेबल में आपने बहुत सारे डिजाइन किए हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाए हैं, और ये फॉर्मूलाज आप मान लो, देखो जो भी आप रिपोर्ट्स बनाओगे खुद के लिए तो कोई रिपोर्ट नहीं बनाओगे, किसी के लिए बनाओगे। हाँ बिल्कुल। और आपको ये जरूर पता होगा कि जो भी आप रिपोर्ट जिसको भी भेजोगे ना, 99% उस बंदे को आप रिपोर्ट्स को भेजोगे जिसको एक्सेल की नॉलेज नहीं होगी। हाँ आप मान लो आपके मैनेजर हैं, ऑपरेशन मैनेजर हैं, आप एक MIS हो, राइट, तो आप MIS हो तो आपसे ज्यादा तो उनके पास नॉलेज नहीं होगी, हाँ उनको तो सिर्फ रिपोर्ट आप बना दोगे उस चीज को वो देखेगा, लेकिन उसमें कुछ हाँ प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो सही नहीं कर सकता है। नहीं कर सकेगा। हाँ और आप कुछ ऐसे लॉजिक पिवोट टेबल डैशबोर्ड में लगा दिए हैं, अगर वो समझना चाहे तो वो नहीं समझ पाएगा, आप समझाएंगे तो समझ पाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई कैलकुलेशन मैंने यहाँ लगाई है जो उस कैलकुलेशन को मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता है, तो उस सिचुएशन में उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं, उस पिवोट टेबल के ठीक बारे है। में, या किसी भी स्पेसिफिक कॉलम आपने कोई फॉर्मूला ऐड किया हुआ है वो सारा आप यहाँ तो डिटेल ये चीज उनको डिस्क्रिप्शन। दिखेगी कैसे सर? वो तो तभी दिखेगी ये ना जब चीज वो आप भी ऑल टेक्स्ट। वो अच्छा मेन अच्छा बॉडी में आप लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई फेस डिफिकल्ट होता है तो आप इस ऑप्शन में जाके इसको आप क्लिक करेंगे तो वहां मैंने पूरे ओके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिए हैं, या फोन पे भी आप बता सकते हैं कि वहां जाएंगे ठीक ना तो है मैंने कौन फॉर्मूला किस लिए यूज किया हुआ वो मैंने वहां लिख दिया है, तो आप यहाँ ठीक पे है उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओके। हमारा ऑप्शंस का जो फीचर्स था वो हमारा हो गया कंप्लीट, हाँ क्लियर है। तो अब तो ज्यादा हाँ इसमें कुछ नहीं है एनालाइज में, अब कमिंग संडे कंप्लीट होके और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट में ही, ये सब छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो कमिंग ठीक संडे है और 2 संडे के अंडर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टैब, इसके बाद सारे छोटे छोटे हैं, इसके बाद तो एक एक दिन में 2 टैब हो जाएंगे, ठीक समझ है। गए। हाँ इंसर्ट सबसे बड़ा है तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है सर ओके। हाँ चल ओके बाय। मैं अभी आपको शीट भेज देता हूँ और शाम को वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है सर ओके। ओके जी भाई।